Hello guys, today we have come to this place and I don't know, it's a new place for us. We cut from the radio station, Shadow radio station wala road, Pali road. वहाँ से we cut on the right side, Rose Garden के बगल से that road. तो road garden के बगल से जो road है उसी road में हम लोग इस तरफ निकल गए. तो अपन को ये एरिया तो पहली बार आया है. सामने ऐसे बंदा लग रहा है, वो एक टैंक राइट साइड में जहाँ पे योगी खड़ा है कार के पास. ऑन द राइट देयर इज अ बिग टैंक, फिर उसके और आगे बहुत बड़ा बंदा है. ये आप देख रहे होंगे, आगे वहाँ बंदा दिख रहा होगा बहुत बड़ा, दैट पुरुषन. एंड ये पहली बार अपन यहाँ है. बहुत बड़ा एक उधर स्कूल टाइप का दिख रहा है मुझे, बताओ. इस जगह में पहली बार आया, मस्त बड़ा सा स्कूल दिख रहा है. और ये खेत वेत है सब जगह, मतलब ऐसे ऐसे जगह है शेडोल में अपन लोग घूमे नहीं आज तक. गांव ऐसे ऐसे है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है बताओ स्कूल की, सोच सकते हैं. और ये है एक बस स्टॉप, एक रोड ये जा रहा है, एक रोड ये जा रहा है राइट साइड, बाकी चारों तरफ खेत है. योगी भाई साहब अभी भी अपने गाड़ी में बैठे हो भाई साहब. ये रोड पे अपन पहली बार जा रहे हैं तो ये गाड़ी सीख रहे हैं. आज 16वां दिन है एंड गाड़ी सीखने के चक्कर में अपन हर जगह घूमते हुए इधर उधर चले जा रहे हैं, है ना. यहाँ ऊपर चढ़ के देखता हूँ कि यहाँ क्या है. दिस इज अ बस स्टॉप एंड ये बंधा न है कि क्या है, देखा जाए, चढ़ के देखा है. ओ छोटा सा एक तालाब है, सूख गया है बट बारिश नहीं हो पा रही शेडोल में इस समय. बारिश अगर अच्छी होगी तो सब भर जाएगा. बहुत अच्छा लग रहा है. वो एक बंधा है बहुत दूर, वो देखिए दिख रहा होगा आपको, बहुत बड़ा बंदा है वो. मिस्टर योगेश यार अभी भी वहीं खड़े हैं यार, क्या है यार भाई साहब, हिल नहीं रहे. अब हिला, अब अकेले हैं, वो गाड़ी लेके आ रहे हैं. यहाँ दूर खड़ा ड्राइविंग सीख रहा है भाई साहब. अभी भी हाथ साफ नहीं हुआ बट हो रहा है धीरे धीरे. वो आ रहे हैं, काफ़ी दूर है, अकेले चला रहा है. दिस इज अ बस स्टॉप भाई साहब. धीरे धीरे आ रहे हैं अपनी वैगन आर लेके मिस्टर योगेश राठौर. हाथ तो बैठ गया है बट मार्केट में थोड़ा सा बैठने की जरूरत है. एंड दिस इज वन बिग बिल्डिंग मैं देख रहा हूँ पहली बार, बताइए. शेडोल के पास इतनी बड़ी स्कूल है, शायद सरकारी स्कूल, देख सकते हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग. मैंने जूम किया हुआ, अभी काफ़ी दूर हूँ मैं वहाँ से. सो नाइस बिग बिल्डिंग, शिक्षा संस्था के लिए ऐसा. ये भाई साहब चलो आगे चले, कहाँ अटके पड़े हो यार, चलो ना, पूछना है पूछ लेते हैं हम. एक मिनट नीचे उतर जाओ भैया, बोल रहे यहाँ से जाओगे, यहाँ से फिर राइट, वहाँ से हाईवे मिला देगा, ठीक है. चलो तो नए नए जगह घूम रहे हैं, ठीक है, ले सकते हैं आपका. भैया हमको बताया है कि भाई आगे से राइट लेना है तो शेडोल की तरफ पहुँच जाएंगे. ओके, तो हम लोग शेडोल ऐसा है कि अपन अभी अभी ठीक से घूमे हैं यार आसपास की जगह, बताओ ये 5-6 किलोमीटर 8 किलोमीटर के रेंज में ऐसे ऐसे जगह जो हम लोग आज तक गए नहीं है भाई साहब. यार ये गियर बदलना ही नहीं रह पा रहे, बताओ अभी भी गियर नहीं बदल पाए, क्या मान बीच रोड में रोक दिया अंकल, गुस्सा आ रहे हैं. सेकेंड गियर लो, फर्स्ट ले लो यार, चलो तो एकदम रोक दिए हो, चलिए आराम से. तो आगे ये क्या देगा, ब्रह्मश्री आश्रम, आश्रम है यार, मैं सोचा स्कूल है.
दूर से तो ऐसे ही लग ही रहा था, बट मैं पढ़ सकता हूँ यार, चश्मा पहना हूँ, बढ़िया चश्मा है। बताओ यार ये कितनी बड़ी आश्रम है। गो स्लो, आई वांट टू टेक वीडियो ना, तो सामने से तो मैं ले पाऊँ, या रोक दो बेटर रहेगा लेफ्ट में। बहुत बड़ा आश्रम है, देख सकते हैं आप, हम लोग पहली बार यहाँ है यार, बताइए। तो आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ लीजिए, यहाँ पे श्री राम ब्रह्मश्री आश्रम, वेरी नाइस। गांव के अंदर भैया बहुत बड़ा है, अभी तो हम उस तरफ गए नहीं। चलो हम, ये राइट से बोला था जाने के लिए हम लोग को ना, ये राइट से जाने के लिए बोला, वो पक्की रोड है देखो। हाँ तो भाई वही तो बोल रहा, देखो सब जा रहे हैं, वो आदमी भी बोला था पीछे, आप देखते देखते जाइएगा। ये भी गांव है, पता नहीं कौन सा गांव है, एक दिन चलेंगे। कहाँ जाते रहे रोड, अब तू ऐसा पूछ रहा है, चलो ना यार, जब वो बता चुका है अब आप पूछोगे 10 बार। देखो आ रहा है, दूसरे जगह जाना, जाओ क्या करना है। नहीं वही आ रहा है आदमी। ये रोड कहाँ जाता है बेटा, ये रोड कहाँ जाता है, सड़ोल जाता है, और ये वाली कौन सा टोला, कुदरा टोला, वहां से सड़ोल नहीं मिली, नहीं ना मिली, ठीक है। स्कूल तुम्हारा आगे है, अच्छा चलो 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 भाई साहब, राइट पूरा कटिंग करो, कोई बाइक वाला ना आता हो प्लीज कट द बाइक कार मैन, तुम भी यार सीधा कर लो, सीधा कर लो। चलो ये रोड बोलते हैं सड़ोल की तरफ जाएगा भाई साहब, हाँ थैंक यू। ये रफ चला रहे हैं भाई साहब, अभी वाइल्ड आदमी है ये फेस देखिए इसका, वाइल्ड आदमी बोल दिया तो बड़ा खुश हो गया, अब गेयर में तोड़वा देगा लगता है बिना क्लच दबाए, ना गलती कर रहा है। एक तो छोटा सा रोड, वो भी खाली है, इतना बड़ा आश्रम है देख सकते हैं भाई साहब, पहली बार मैंने देखा है। देखो पीछे तरफ भी देखिए इस बिल्डिंग को, इतना प्यारा, वेरी नाइस। थोड़ा धीरे चलाना, जर्क मत देना भाई, तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है देख सकते हैं, आश्रम है। इस एरिया का नाम नहीं मालूम मेरे को, ला रहे हैं गाड़ी को इसलिए आपका वीडियो भी ऐसे ही आएगा ठीक है। पीछे बाइक है, बाइक है, लेफ्ट कर लो थोड़ा सा, ज़रा सा लेफ्ट कर लो, हाँ लेफ्ट कर लियो, हाँ बस 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 बस, तुम रेस कर रहे हो भैया का फोटो ले लूँ वीडियो ले लूँ। आज कितना दिन हो गया भाई साहब, 10-12 दिन हो गया, बस यही तो कैलकुलेशन है अपना, अच्छा 10-12 दिन, 17-18 दिन हो गया आज, बीच में गैप लिए हो, गए नहीं हो, बट उतना दिन हो गया है। प्यार से चलाएं क्योंकि बहुत गड्ढे हैं, आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है, आपका सस्पेंशन को भी, है ना। तो ये बहुत बड़ा, देखिए बहुत सी जगह है भाई, सड़ोल जा रहे हैं हम लोग, नया जगह है हम लोग, ये बढ़िया फार्म हाउस है किसी का, ये जो है ना, ये फार्म हाउस है किसी का, ये स्माइल करें कैमरा में जरा सा, अरे जरा स्माइल करे कैमरा में भाई साहब, इतने बड़े आदमी यार क्या बोल, क्या क्या स्माइल कर सकते हो, प्लीज स्माइल बेबी, प्लीज स्माइल, अरे स्माइल, अरे हटाओ क्या, देखो तो यही सब तो लोग देख के मस्त एंजॉय करते थोड़ा स्लो जाए यार, बहुत ज़्यादा रॉकेट जैसे भगा रहे हो यार, उनको डर लगने लगा। ये पहाड़ भी है, जो भी रोड है ऊपर चढ़ रहा है, कच्ची सड़क, कच्ची सड़क के लिए ऑफ रोडिंग के लिए हम लोग को थार लेना पड़ेगा भाई साहब, लेंगे कभी जब सीख जाएंगे तो थार लेंगे हम, क्योंकि इस समय थार का ज़माना है ऑफ रोडिंग के लिए। तो मस्त रोड देख लो यार, पूरी गाड़ियाँ जा रही है, रेडियो स्टेशन तो हमको दिख ही नहीं रहा, वो है रेडियो स्टेशन राइट, वी विल गो देयर ओनली यार, अरे घूम फिर के अपन वहीं पहुँचने वाले हैं, रेडियो स्टेशन घुसे भी वहीं तरफ से थे, पहुंच जाएंगे अपन वहीं पे, बूढ़ी माई मंदिर के बगल से निकलते हैं। बाप रे कैसे हिल रहा कैमरा, हाँ वही वही वहीं निकलेंगे, तो बहुत अच्छा व्यूज मिल रहा है यहाँ पे हम लोगों को, देखिए
फर्स्ट टाइम हम कमिंग ऑन दीज रोड्स बात तो ये। तो आज की तारीख भाई साहब बता सकते हैं 31 जुलाई 2024 है गाइस। कल के डेट में हम लोग भी घूमने निकले थे काफ़ी दूर इधर उधर, और उस समय अमित से भी मिल लिए थे उसके नए स्कूल में जो गार्नेट इंटरनेशनल स्कूल के नाम से छतवाई शहडोल में है। और आज जो है इधर घूमने निकल गए हैं, सोच लो डेली घूम रहे हैं भाई साहब, कार लर्निंग कर रहे हैं। और मेरे दोस्त जो है अजय दास जो है, कल के डेट में उसकी वाइफ को लड़का पैदा हुआ तो बहुत खुश थे उन लोग। कल हम लोग सब हॉस्पिटल में थे, योगेश भी था मेरे साथ, तो बॉय बेबी हुआ परमानंद हॉस्पिटल में, तो खुशी का माहौल था। आज हम लोग दूसरे दिन फिर राइट पे दूसरी जगह, नया जगह, लेफ्ट ले लो एक गाड़ी आ रही है, धीरे से लेफ्ट लीजिए करो, चलते चलिए लहरों के साथ। दिस इज द वॉलिंग प्रीकास्ट वॉल बोलते हैं इसको, प्रीकास्ट गणपति ट्रेडर्स, नंबर ले लो, कॉल करो अपने को लगाना है तो। एंड दिस इज द बाउंड्री वॉल, आजकल वेरी फास्ट नो, इसका भी शूट किया हूँ, अब आ गया होगा तो ठीक है नंबर, क्योंकि आप इतना भड़बड़ाए रहते हैं, फास्ट बैक कर लो यू वॉन्ट। भाई साहब, ये देखिए आम का बगीचा, ओनली आम का पेड़ भरा पड़ा है, प्यारा सा जंगल टाइप का फील आ रहा है, जबकि सब शेडोल के अंदर ही, शेडोल मध्य प्रदेश। बहुत बड़ा देखो, बहुत बड़े बड़े एरिया में लोगों ने प्रीकास्ट बाउंड्री किया हुआ है यार, मस्त है ना चारों तरफ। इस समय यही चल रहा है, शॉर्टकट में काम हो जाता है, जल्दी हो जाता है एक्चुअली, खड़ा नॉट सो स्ट्रॉन्ग बट फास्ट काम के लिए तो बढ़िया है। छोटा सा देखो कॉटेज टाइप का मस्त है, किसी का होगा घर फार्म हाउस टाइप का, फोन बजाते चले जाना। शार्प टर्निंग, हर जगह हमको बंधा भी दिख रहा है, बहुत टर्निंग से चारों तरफ बंधा है। ऑन द लेफ्ट रोड जा रही है अपनी, यही वाली रोड, तो लेफ्ट टर्न ले ले, लेफ्ट लो राइट लो, जहाँ भी लोगे वहीं जाएंगे, ये बढ़िया। अरे ये तो मोटी रोड है यार, आगे मेन रोड पे अपन। हाँ तो ये कौन सा पार्ट है? अच्छा ये वो वाला रोड है, न्यू वन। हाँ ये नया रोड है, उधर चले। नहीं ठीक है, अपन पीछे रेडियो स्टेशन छोड़ दिए, ये जाएगा अपना वही बढ़ जाएगा जहाँ से अपन आते थे। अच्छा समझ गए, तो ये ब्रांड न्यू रोड है। ऑन द वे अपन को इसी रोड पे, मान लो आप अगर पाली से आ रहे हो तो ये लेफ्ट बाईपास, नो लेफ्ट बाईपास से अगर आप जाते हो तो इस रोड पे जाओगे तो आपका सुधीर सिंह जी का बहुत बड़ा होटल है और रिजॉर्ट है, बैम्बू वाला पूरा कॉटेजेस है, तो वेडिंग पार्टीज एंड लॉजिंग एंड एंजॉयमेंट जो है सब कुछ मिल जाएगा यहाँ। तो बैम्बू जो होता है ना, बांस के हट्स बने हैं उसमें हैं, कॉटेजेस है एसी वाले, तो अच्छा फील आएगा कभी जाएं। ऑन द वे ऑन द राइट साइड पे मिलेगा ये, तो अगर आप पाली से शेडोल से होते हुए बाईपास रोड पकड़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सामने दिख रहा है, पूरे दिख रहा है मेरे को यहाँ से, जहाँ जो भैंस की टोली है उसके आगे आपको दिख रहा होगा कॉटेजेस, मिस्टर सुधीर सिंह का ऑन द राइट साइड देख सकते हैं आप, ये राइट साइड में आपको दिख रहा होगा दैट प्लेस देयर। तो अभी जूम किया हूँ इसलिए ज़्यादा हिल रहा है, पास में पहुँचने वाले हैं हम तो। ऑन द राइट साइड पर यह पड़ेगा भाई साहब, शेडोल में स्थित है ये, शेडोल के बाईपास बोलोगे इसको, तो रीवा वाली रोड में जो ब्रिज ओवर ब्रिज है उससे लेफ्ट ले लेंगे, उधर से आएंगे तो देख लो बहुत बड़ा मस्त एरिया है उनका, पाँच दस एकड़ में होगा उसका प्लाट, ये पूरा कॉटेजेस चालू हो जाते हैं यहाँ से, थोड़ा कूल जाएंगे भाई साहब, कूल मान स्पीड थोड़ा कम करेंगे। ये सब कॉटेजेस हैं आप देख सकते हो, रिजॉर्ट तो लिखा हुआ है श्रेयस
श्रेयस रिजॉर्ट, तो आप बोलोगे थोड़ा सा? श्रेयस रिजॉर्ट बहुत बड़ा है भाई एरिया। नॉकिंग हो रहा है, गियर बदल दो। नाइस नाइस नाइस, श्रेयस रिजॉर्ट शेडोल भाई। तो एंजॉय या स्टे व्हेनेवर यू कम। वो देखो बढ़िया बढ़िया बांस का कॉटेज देख सकते हैं, पूरा बांस का बना हुआ है। वेडिंग पार्टीज एंड एवरीथिंग। किसे जाना है? सीधा चलो यार, लेफ्ट से जाओगे? लेफ्ट लेफ्ट होता है ना, आप राइट भी जाओगे तो लेफ्ट वहाँ जाओगे। लेफ्ट लेफ्ट होता है, राइट राइट होता है। ब्रांड न्यू रोड है, सीमेंटेड रोड। और ये ऊपर ये कब से काम रुका हुआ है, ये पुलिया का, ये जो पुल है ना, कब से तो बन रहा है। कब से बन रहा है? अब बन रहा है तो 4 साल हो गया। कौन सा? 20 ईयर्स हो गया ये पुल का। 20 ईयर्स तो खैर नहीं हुआ भाई, सब इतना झूठ ना बोला कर रहा, थोड़ा स्लो हो जाए। इतना स्लो चलाओगे, अपने को मिल गया रीवा हाईवे, रीवा रोड, रीवा बिहारी। ऑन द लेफ्ट जाएंगे तो सीधे जाएंगे। हाँ सीधे जाना या राइट? राइट चलो ना यार, आज वेट कर रहा हूँ, मान लो देख लेंगे अपन 2 मिनट, तुम्हारा भी ड्राइविंग हो ही रहा ना। तो ऑन द राइट शेडोल जा सकते हैं आप, सीधा भी जाएंगे तो शेडोल ही शेडोल है, क्योंकि ये बाईपास है सीधा जाने पे। और ये पुरानी रोड मिल जाएगी आपको, देख सकते हैं सेंटर में जो आपका पुल के जैसे, उसके अंडर ब्रिज। तो यहाँ से लेफ्ट आप जाओगे तो रीवा बिहारी सतना, एंड राइट जाएंगे जहाँ से ये गाड़ी निकल रही है ट्रक, यहाँ शेडोल जाएगी, शेडोल मेन सिटी। और ये लेफ्ट में आप देख रहे हो तो ये आपका रीवा जा रहा है, ठीक, रीवा सतना है ना, और वो जैन हॉस्पिटल। बड़ा ध्यान से शेडोल की ओर, ITI रोड, और ये जा रहा है शेडोल। ओवर ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हम शेडोल की ओर जा रहे हैं ऑन द वे। अपने को परमानेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे, अपन अजय से भी मिल लेंगे। अजय को एक प्यारा सा बॉय बेबी, अजय अभी होगा वहाँ के घर? हाँ होगा घर पे, हॉस्पिटल में सेकंड फ्लोर पे। तो ऑन द वे टू शेडोल गाइस, अंदर घुस चुके अपन, देख सकते हैं अपन लोग वहाँ गांव में घुसे थे, नॉट इवन 5 मिनट्स। अभी अपन अंदर इधर आ गए, ये आदित्य हॉस्पिटल, हड्डी स्पेशलिस्ट, हड्डियों का डॉक्टर है शेडोल में, एक ही हड्डी का डॉक्टर है वैसे भी। तो साकेत जी भी है, साकेत जी का भी चलता है शराब। दिस इज एंट्रिंग शेडोल, लेफ्ट में ITI हमको मिलेगा, हमारा पुराना ITI भाई साहब, गवर्नमेंट ITI। ये आप देख सकते हो स्टार्ट हो गया, अंदर पीछे जो है ITI लगा हुआ है पूरा, बहुत पुराना ITI है। कई लोग यहाँ ITI करके बड़े बड़े फॉर्म्स में काम कर रहे हैं अभी समय। दिस इज़ द ITI एरिया स्टार्टेड, ये देखिए दिस इज़ द ITI मेन है एंट्रेंस। अभी तो ये बन गया नया, ये नया है अभी, वेरी नाइस। कोई बोर्ड वोर्ड है नहीं, और यहाँ रेसिडेंशियल एरिया है उन लोगों का, ITI के टीचर लोगों का। तो वी एंट्रिंग इन टू शेडोल नाउ। ऑन द राइट में होम गार्ड वाली जो ग्राउंड, भाई साहब अच्छा चला रहे हैं, थोड़ा ध्यान से चलाना क्योंकि अभी मैं इसमें लगा हुआ हूँ। हाँ राइट साइड में प्योर दूध मिल सकता है आपको, भैंस का गाय का, देख सकते हो। तो शेडोल की ओर एंट्री हो रही है, अभी थोड़ा पॉज करता हूँ। अभी शेडोल की एंट्री में है अपन, ये सुहागपुर एरिया है ना, तो सोहागपुर एरिया। यहाँ से बहुत सारे आपको दुकानें जो दिखेंगी, ये सब मोटर गैरेजेस हैं। यहाँ मैं अपनी जायलो को भी रिपेयर करने आता हूँ, छोटू ऑटो गैरेज, ये आप देख सकते हैं छोटू ऑटो गैरेज। तो यहाँ मैं अपना जायलो को लेके आता हूँ, कुछ भी काम होता है यहीं आता हूँ, डेंटिंग पेंटिंग से लेके आपकी गाड़ी की सर्विसिंग रिपेयरिंग वेरी चीप कॉस्ट में हो जाती है। तो यस वी आर एंटर्ड ऑन दी लेफ्ट, अगर आगे जाते हैं तो अपन को विराट मंदिर मिल जाएगा है ना। तो सीधा जा रहे हैं तो अपन को सोहागपुर हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट, बाकी सब जब मिल जाएंगे यहाँ। तो सीधा ही जाएंगे, एंट्रिंग इन शेडोल,
लेफ्ट ये रोड जो जा रही है ये वाली, मैं आपको दिखा दूँ, ये अपनी विराट मंदिर बहुत पुराना है, तो उस ओर जा रही है ये। और ये अपन जा रहे हैं अभी मार्केट साइड, यहाँ से पाली उमरिया भी जा सकते हैं कटनी ऑन द राइट, इसी रोड को पकड़ेंगे तो सुहागपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी इसी रोड पे मिल जाएगा। एंड राइट साइड जाएंगे तो पाली कटनी रोड कलेक्ट्रेट पे मिल जाएगा, हाई कोर्ट कोर्ट्स मिल जाएगा और स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स सब मिल जाएंगे सुहागपुर ओल्ड एरिया। एक्शन हॉस्पिटल, टाइम पब्लिक स्कूल, सब इसी रोड में, कॉलोनीज देख सकते हैं। राइट साइड में बहुत पुराना तालाब भी है, इसके पीछे देख सकते हैं बहुत पुराना, छोटे छोटे टू मंदिर, एवरीथिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन स्टिल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ऑन द राइट साइड में आप देखेंगे तो परमानंद हॉस्पिटल, जहाँ अजय दास अभी अपने वाइफ के साथ वहीं है, वो लड़का हुआ है, और जस्ट उसके ऑपोजिट में सर्किट हाउस है, देख सकते हैं अपन वहीं पहुंच रहे हैं अभी। उसके बाद मैं एक हॉल्ट करूंगा, यहीं जाऊंगा अभी, गाड़ी अपन यहीं पार्क करेंगे भाई साहब। ये है परमानेंट हॉस्पिटल, ये वो यहाँ पे अपन खड़े किए थे, तो ये परमानेंट हॉस्पिटल, हाँ जी हाँ जी, इसी पे अपन को सेकेंड फ्लोर में जाना है, बस दबा दो थोड़ा सा यार बस। हाँ तो अभी ना आपको अभी बैक करना है, पहले यहाँ ले लो आगे मेरे तरफ, धीरे धीरे लेना है, पूरी कटिंग कर लो पहले, खड़ी गाड़ी में आप काटो। हाँ अब आप उसको धीरे धीरे आने देना, जस्ट हल्का हल्का आने दो, कोई नहीं आने दो पूरा। भाई साहब अभी सीख रहे हैं मिस्टर योगेश, तो गच्च से रुक जाता है गाड़ी, आने दो पूरे रोड पे, बस रोक लो, पूरी कटिंग करो आप, बैक पूरी कटिंग, व्हील पूरी कट कर लो बैक के लिए, आप जब जाओगे इस तरफ कटिंग, यस बिल्कुल सही, पूरी कटिंग पूरी कटिंग पूरी काटो, जाने दो धीरे धीरे, सीधा सीधा जाने दो। हाँ आप सीधा कर लो, आप सीधा कर लो, जान दो, जाने दो, बिल्कुल सही। अब आप कांच उठा लो और आप बाहर आ जाओ, बाहर आ जाए प्लीज 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 कम आउट, कांच लगा ले, अब प्लीज प्लीज बोल रहा, आप समझ गए कौन ऐसे बोलते हैं हमारे पार्लियामेंट, सो सॉरी बट अच्छे लगते हैं उनके, उसकी आवाज़ मुझे अच्छी लगती है। अजय दास यहाँ खड़े हैं, अजय दास स्टैंडिंग एंड टॉकिंग टू समबडी, उसका दिन रात कॉल पे लगे रहता है, क्योंकि आधा तो फ्रेंड्स को मैनेज करते हैं, आधा अपने ऑफिस को मैनेज करता है, तो खड़े हैं वो भाई साहब वहाँ पे। और ये है रीवा रोड, योगेश भाई साहब कुछ भूल गए, फिर वापस चले गए यार ये भाई साहब यार, एंड दिस इज द सर्किट हाउस, सर्किट हाउस सरकारी विभाग हैं पूरे। सीधा आगे जाएंगे तो आपका राइट साइड में पाली एंड लेफ्ट साइड में पूरा शहडोल शहर है, ठीक है। तो अजय से मिल ले जाए, उसके बाद बात करते हैं, मैं ब्लॉग को बंद करूँगा, वेलकम टू मीट अजय, वेरी बिजी, आई वांट टू लॉक इट।